अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास का यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 11.3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स हाइट इज 16 मीटर एंड एरिया इज 560 मीटर स्क्वायर। हाइट एंड एरिया इज गिवन, हमने फाइंड आउट क्या करना है, बेस फाइंड आउट करनी है। हाइट इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 560 मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट बेस हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमने बेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हाइट इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल्स टू बेस, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या गिवन था हमारे पास, 560 मीटर स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू प्लेस की, हाइट की जगह पर हाइट की वैल्यू प्लेस की 16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मीटर एक मीटर से कैंसिल हो गया, 560 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 पर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35 मीटर इज इक्वल्स टू बेस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लॉट ऑफ 200 मीटर, ठीक है, बेस एंड 140 मीटर हाइट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 4.50 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब बेस है हमारे पास 200 मीटर और हाइट है 140 मीटर, फाइंड आउट क्या करना है हमने, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लॉट। जब लेवल करना है एक प्लॉट को तो इसका मतलब वो पूरा एरिया लेवल करना है, तो एरिया तो हमें पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे कि एरिया को फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस थी हमारे पास 200 मीटर एंड हाइट थी हमारे पास 140 मीटर, जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो फर्स्ट थिंग थी वो क्या थी कि लेवल करने की प्राइस फाइंड आउट करें, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लॉट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर यानी एक मीटर स्क्वायर की हमें प्राइस गिवन थी वो क्या थी, 4.50, ठीक है। हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पूरे प्लॉट का एरिया कितना है, तो वो था 28,000 मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, इस 28,000 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है 1 मीटर स्क्वायर जो हमारे पर मीटर स्क्वायर की प्राइस के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ प्लॉट फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो कॉस्ट जब आ रही है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 28,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राइस क्या आएगी, 1,26,000। थैंक यू सो मच।